रैकेट बैंकाइजर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर ने रैकेट कंपनी को कर्मचारियों समेत एचएफएल कंपनी को बेच दिया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि एचएफएल कंपनी का अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट रैकेट कंपनी में था उससे ही कंपनी चला रहे हैं, इसलिए कर्मचारी भूख हड़ताल करके पिछले 14 दिनों से काम कर रहे हैं। और आज जब कर्मचारियों ने पानी पीना भी छोड़ दिया तो कई कर्मचारियों की हालत काफी खराब हो गई और उन्हें पुलिस के जरिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि रैकेट कंपनी को चलाने में सबने अपना खून पसीना बहाया है, इसलिए दूसरी कंपनी में स्थानांतरित करने से पहले उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उनका भविष्य बन सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ होता है तो सारी जिम्मेवारी रैकेट कंपनी की होगी। मेरा नाम दीपचंद है, मैं रैकेट बैंकाइजर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में 2015 से काम कर रहा हूँ। जैसा कि हमें 15 तारीख को पता लगा, मैनेजमेंट के द्वारा नोटिस बोर्ड और सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया कि रैकेट बैंकाइजर हेल्थ केयर इंडिया बद्दी प्लांट जो है एचएफएल को बेच दिया गया है। आपकी सेवा शर्तें चार वैसे चालू रहेगी जो भी है आपकी फैसिलिटी। हमें कन्फ्यूजन वहीं से हमारे दिमाग में पैदा हो गया जब रैकेट ने पारस को टेक ओवर किया तो 3260 करोड़ में टेक ओवर किया। जब रैकेट एचएफएल को बेचती है तो 156 करोड़ में बेचती है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो हमें गड़बड़ लगी, कुछ ना कुछ हुआ। इसलिए हमने बोला कि जो आपके बीच में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, उसकी कॉपी हमें दे दो। लेकिन उस दिन से इनका रवैया ही रहा कि हाँ दे देंगे नहीं देंगे, आपको सेवा शर्तें चालू रहेंगी, वही है ऐसा पैसा मत करो, आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। फिर हमने जो है श्रम विभाग को भी, सरकार को भी, जिला डीसी को भी, सभी को लेटर दिया कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई की जाए। जब हमें पता लगा कि कहीं तरफ से मारे तो हमें इस आंदोलन में जाना पड़ा हमें, तो 14 दिन पिछले कल हमारे भूख हड़ताल के हो गए। हमें लगा कि अभी भी मैनेजमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, तो आज से पानी भी बनता कंपनी, खाने के साथ साथ पानी भी बनता कंपनी के, जैसे पहले रेगुलर काम पहले की तरह वैसा ही चला हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, काम वैसे ही चला हुआ। वो हमें समझाते बोलना क्या सर, उन्होंने वो तो बोले आपकी सेवा शर्तें चालू रहेंगी वैसे ही, हम बोल रहे हैं कि सेवा शर्तें वैसे ही चालू रहेगी, तो जो समझौता हुआ उसकी कॉपी दे दो हमें, उसमें दिख जाएगा सब कुछ कि आपके बीच में क्या हुआ है। जब 3260 करोड़ और 156 करोड़ गैप तो है, 3000 के प्लस का गैप है, तो कुछ ना कुछ तो, या तो उन्होंने कर्मचारियों को बेचा है तो क्लियर हो गया ऐसे कि हाँ इन्होंने एक ठेके पे दिया। और एचएफएल जो है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, अगर कल को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कल को इनकेस एचएफएल के रैकेट ने अपने प्रोडक्ट वापस ले लिए, अगर रैकेट ने, तो हम किसके पास जाएंगे? एचएफएल तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, उसको तो हम कुछ चीज़ के लिए रोक नहीं सकते, क्या बोलेंगे हम उसको? वो तो बोलेगा कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में तभी से हमारे बीच में ये चीज़ है कि हम तो कल को बेघर हो जाएंगे। हमारा परिवार तो 400 लोग हैं यूनियन में, 370 के करीब हैं, तो हम तो बेघर हो जाएंगे, हमारी सुनवाई कौन करेगा? उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। पीछे जैसे हमारी रैकेट कंपनी ने हमारी कंपनी को 158 करोड़ में बेच दिया सर, और ये एचएफएल को बेच दिया जिसका अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, और इसने सिर्फ एम्प्लॉई और अपन प्लांट को ही बेचा है, बाकी जो प्रोडक्ट है इसके वो नहीं बेचे। हमने जो इस कंपनी के लिए अपना योगदान दिया इतने सालों से, हमारे को ऐसे ही किसी ठेकेदार के हवाले कर दिया है। और हमारी ये मांगे हैं कि रैकेट हमारा और हमने मैनेजमेंट को नोटिस भी दिया था, और 17 तारीख को हमारी मीटिंग थी लेबर कोर्ट में, तो लेबर इंस्पेक्टर भी हमारी मीटिंग हो नहीं पाई उस दिन, हम गए थे लेकिन पता नहीं मैनेजमेंट ने क्या बहाने बना के मैंने उसको टाल दिया। और अभी हमने नोटिस दिया था कि हम पर खाना पीना छोड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी हमारी मांगे नहीं सुन रही है, और हमने 14 दिन से खाना छोड़ा हुआ है, और आज से हमने पानी भी छोड़ दिया हुआ है। और हमारे काफ़ी भाई जो है बीमार पड़ गए हैं, जिसकी जिम्मेवारी से आरबी की मैनेजमेंट है। आरबी की मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने आरबी को मैनेजमेंट का कहना कि आपने आरबी को इतनी बुलंदियों तक पहुँचाया, और उन्होंने हमारे को एक दिन में ही हमारे को बिना बताए बिना नोटिस के हमारे को बेच दिया। तो हमारी जो हालत है आरबी की वजह से है, मैनेजमेंट की वजह से। हम चाहते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं वो सुने कंपनी, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, हम ना खाना खाएंगे कंपनी का ना पानी पिएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।